ऐसा लगता है कि सब मेरा इंतजार कर रहे होते कि जब ये आएगी तब हम ऐसा करेंगे, तब हम ऐसा करेंगे। पापा लड्डू मैं नहीं मिलूंगा। ये लोग पागल है, पागल मुझे भी पागल साबित करेंगे। ये पागल इंस्टेंट तैयार हुई हूँ मैं। लगती तुम्हें ये दीदी अच्छी है, डांस करवाती है। वही अच्छे लग रहे हो। कौन से गाने में डांस करने वाले हो? तेरो लहंगा। तेरो लहंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। मैं करिश्मा देव भूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल करिश्मा बेस्ट ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11 बज गए स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखो मैंने सर पे लगा रखी है मेहंदी। आज 26 जनवरी है दोस्तों, सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और पापा जा रखे हैं मेरे झंडा लहराने के लिए, लड्डू लेके आएंगे घर पे, ठीक है। स्कूल टाइम में बहुत शौक होता था कि लड्डू मिलेंगे आज। और यहाँ पे मेरी बहन बना रही है आज पराठे, आलू के पराठे बन रहे दोस्तों। मैंने तो अपने लिए निकाल लिए, देखो साथ में मैं बना रही हूँ थोड़ा सा कॉफ़ी। आज मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा है ना, धूप नहीं है, मतलब बाहर ऐसा लग रहा है कि अभी बर्फ पड़ेगा थोड़ी देर में। तो मौसम को देखते हुए मेरा आज बहुत मन हो रहा था पराठे के साथ कॉफ़ी पी जाए। दूसरा, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था ना कि मैं, मतलब मेरे को लगभग एक महीना होने वाला है यहाँ आए हुए, और ऐसा हो रहा था कि मैं घर पे ही नहीं रह रही थी, तो चैन ही नहीं मिल रहा था मतलब। तो आज मैंने मेहंदी लगाई है, मैंने कहा आज मैं घर पे रहूँगी, कहीं नहीं जाना, जबकि मेरे फ्रेंड लोगों ने प्लान बना रखा है कि 2 बजे के बाद हम कहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं देखूंगी, मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से भटक ही रही हूँ। जब भी यहाँ आती हूँ ना ऐसा होता है कि मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं कभी फ्री ही नहीं रहती हूँ। इसको देखना क्या कर रही है, मतलब सच में ऐसा लगता है कि सब मेरा इंतजार कर रहे होते कि जब ये आएगी तब हम ऐसा करेंगे, तब हम ऐसा करेंगे। मैंने कहा आज मेरे को कहीं नहीं जाना है, पर फिर भी क्या पता जाना पड़े। खैर वो बात की बात है। ये आ गया मेरा गरम गरम पराठा और मेरी कॉफी। पापा लड्डू मैम तो सोचा आप लड्डू लेके आओगे। कौन तूने बोला जो अपने ब्लॉग पे काई भी आ गई है, हमारी काई भी आ गई है। वो तब से तेरा फैन बना था, इसकी बेइज्जती मारता हूँ। दोस्तों ये लोग मेरी बेइज्जती उड़ा रहे हैं, पर सामने में कुछ नहीं बोल रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं बोल रहे, कैमरे के पीछे बेइज्जती उड़ाते हैं। फोन का क्या बोला? हिंदी नहीं बोली। क्या बोला था? गढ़वाली नहीं, हिंदी आधा हिंदी आधा गढ़वाली। वो क्लिप भी डालना इसमें, वो क्लिप भी डालना। ये लोग पागल है, पागल मुझे भी पागल साबित करेंगे। ये पागल इंस्टेंट तैयार हुई हूँ मैं, पता नहीं कहाँ जा रहे, मुझे पता नहीं चल रहा है अभी तक। तो इनका क्या प्लान बना अचानक से शाम को कि बस चलना है तो चलना है। ये पहले से खड़ी हो रही थी तैयार होके रिस्क बना पे, और मैं तैयार नहीं थी, तो इसने बोला जल्दी कर जो भी करना है। मैंने देखो बाल भी नहीं बनाए ढंग से, ऊपर से जैकेट डाली घर के कपड़ों में और निकल पड़ी। यहाँ पे है एक स्कूल, भीड़ बोल रही है। तो यहाँ पे एक NGO है स्कूल ना, तो पहले हम वहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों अभी, क्योंकि जो बाकी लोग हैं ना उनको टाइम लगेगा आने में। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ एक बार चली जाती, ये तो जाती रहती है ना, मैं कहा मेरे को भी दिखा तो मैं भी चली जाती, और मंदिर के पास ही होता है दोस्तों। तो अभी हम बच्चों के लिए थोड़ा टॉफी वगैरह ले रहे हैं, तो वहाँ से फंक्शन देखेंगे थोड़ा सा, वहाँ फंक्शन हो ही रहा है रिपब्लिक डे का, आपको भी दिखाएंगे और ब्लॉग में बने रहना दोस्तों। ये हमारा शिव मंदिर, यहाँ बहुत पहले हम कभी आया करते थे, हमारे दूर घर से दूर पड़ता है, और इधर यहाँ पे फंक्शन हो रहा है बच्चों का। इसका कहना है कि मैंने बच्चों को डांस सिखाया, भगवान जाने कैसा डांस सिखाया है इसने। बच्चे इसको जानते रहे, हाई कर रहे इसे, हाई बच्चों, हाई बच्चे, प्रोग्राम कर रही है अपना। पर गाने की आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों, बहुत स्लो चल रहा है गाना। यहाँ पे टीचर्स हैं हमारे, यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स हैं, उसमें से एक ये है, और ये है मंदिर हमारा। यहाँ पे है हमारे हनुमान जी विराजमान, और इधर है हमारे शिव जी विराजमान। अच्छा कर रही है लड़की डांस। छोरा नड़ी मैं झूरी पहाड़ी रात नहीं उड़िया ना तू पे छड़ी।
अरे ये तो बड़ी पहाड़न बने, वही अच्छे लग रहे हो। कौन से गाने में डांस करने वाले हो? तेरा लहंगा। तेरा लहंगा, अरे वाह, लहंगा भी बड़ा सुंदर पहना है। क्यों में लगा लखा झुला, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली, नजर न लागली। इसके स्टूडेंट्स आ गए। कैसी लगती तुम्हें ये दीदी? बहुत अच्छी है। अच्छी है, डांस करवाती है? मीनू सही में डांस करवाने आती है इन्हें कई बार, मुझे बोला था इसने एक बार, पर उस दिन मैं कहीं और थी। यहाँ पे मेनू भी देगी बच्चों को। हमारी शर्मीली लड़की, इसने फोटो भी नहीं लेने दी। अरे दबावा। यहाँ पे टीचर्स ने बोला आप भी आए हो तो आप भी बच्चों को अपने हाथों से गिफ्ट दे दीजिए, तो मैं निकली कहीं और के लिए थी, लेकिन यहाँ पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं अगली बार भी ज़रूर आऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। तो दोस्तों हम निकल गए हैं वहाँ से, और अभी बतानी है कहाँ जा रहे हैं। इनको ना जो घर में बैठा हुआ इंसान होता है ना, उसको बाहर निकालने की चुल हो रही थी। मैं इतने अच्छे से आराम से घर में थी, वो 3 बजे बोला चलो 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 चलो, जिसने जाना था वो कहीं और निकल गई। दूसरा वाला बोल रहा है कि अब कल ही आना, टाइम ज्यादा हो गया। तुझे तेरे से मैंने भला कहा, और इसने इसको घर इसको बस थोड़ा घूम के आना है, 200 रुपए का पेट्रोल डलाया गाड़ी वो भी खत्म करना है। तो दोस्तों देखते हैं अभी हम कहाँ पहुँचते हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि हम कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, बने रहना ब्लॉग। तो दोस्तों घूमते घामते हम लोग कहाँ पहुँचे, जियो मार्ट में पहुँचे। कुछ शायद पता नहीं चला कहाँ जाना है, तो हमने सोचा यहीं घूम के आ जाते हैं। और यहाँ बाहर रिपब्लिक डे वाला गाना लगाए हैं, हम जिएंगे हम मरेंगे करके आज का ऑफर। और यहाँ पे ऑफर लगे हैं बहुत सारे, ये है ये है ये है, हम कुछ नहीं लेने वाले, कुछ ले भी सकते हैं कुछ। तो आज ऑफर सब जगह, ऑफर ही ऑफर दिखेंगे। इसको बिस्किट की याद आ रही है ये सब देखकर। इसको देखना, कह रही तुझे नहीं पता, बल लिफ्ट पर लेके जाती हूँ तेरे को, तो गांव से आई है तुझे पता नहीं है। अच्छा दोस्तों ये होती है लिफ्ट, ये देखो। ये आए हैं हम अपने फेवरेट डिपार्टमेंट में, इसका फेवरेट है, मेरा तो नहीं है, मैं कपड़ों से थक चुकी हूँ अब। इसको यहीं आना था पहले कपड़े देखने के लिए, कुछ नहीं लेना। और देखो पूरी ट्रॉली लेके खड़ी हो रखी है, जब तक यहाँ पे बिलिंग कराती मैं घूम के आती हूँ। इसको झूला झूलने का शौक हो रहा था, झूल नहीं पाई।